गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डब्ल्यूएच फैमिली। फ्रेंड, WH फैमिली को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। तो अगर आपको WH फैमिली अच्छे से समझनी है तो तीनों पार्ट्स को ध्यान से देख लेना, ये पार्ट वन है। आइए शुरू करते हैं WH फैमिली पार्ट वन। WH फैमिली क्या करती है? WH फैमिली क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, है ना, कब, कहां, किसने, किसको, कैसे, क्या कहा, क्या किया, ये सब। जब भी हम किसी से क्वेश्चंस करते हैं तो हमें WH फैमिली की जरूरत पड़ती है। तो उसको बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें WH फैमिली की एक लिस्ट है जो कि हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कौन कौन से WH फैमिली के वर्ड्स हैं आपको याद होने चाहिए, वो भी हम अगली वीडियो में आपको दे देंगे। आप उसको वीडियो को पॉज करके पूरी लिस्ट लिख लेना, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं कि WH फैमिली का सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होता है। हमारा एग्जांपल है, आपने यह पेन कहां से खरीदा है। इस सेंटेंस में कहां से हमारी WH फैमिली है, और कहां से का मतलब होता है फ्रॉम वेयर। आप चाहें तो वेयर फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर, ठीक है। आपने ये पेन कहां से खरीदा है, आपने हमारा सब्जेक्ट हो गया, खरीदना वर्ब हो गई, और यह पेन एक ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए, WH फैमिली का सेंटेंस बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए, जैसे कि टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, इज एम आर वॉज वर के सेंटेंस बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि अगर आप WH फैमिली सीख रहे हैं तो पहले उन चीजों को आप सीख लें अच्छे से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, WH फैमिली का वर्ड रखेंगे और उसके बाद इंटरोगेटिव रूल यूज करेंगे, जो कि हमने टेंसेस में सीखा है। हमारे चार रूल होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। तो WH फैमिली के साथ 95% आपको इंटरोगेटिव रूल ही यूज करना है। हाँ, कुछ केसेस में हम कभी कभी सिंपल फॉर्मेशन का यूज करते हैं, वो हम आगे बाद में सीखेंगे। फिलहाल आप यही मान के चाहिए कि WH फैमिली के साथ इंटरोगेटिव रूल ही यूज करना है। तो देखते हैं, फ्रॉम वेयर हमारी WH फैमिली हो गई, अब खरीदा है ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव रूल होता है हैज हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम अपने सेंटेंस में से देखते हैं, हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ले लिया फ्रॉम वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैव, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है यू, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। फ्रॉम वेयर हैव यू, खरीदना हो गया हमारा परचेज, उसकी थर्ड फॉर्म हो गई परचेज्ड, दिस पेन हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो फ्रॉम वेयर हैव यू परचेज योर दिस पेन, सॉरी, हैज हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अगर आप WH फैमिली बना रहे हैं तो आपको टेंस के रूल पहले से याद होने चाहिए। नेक्स्ट, आप कॉलेज कब जाएंगे, व्हेन विल यू गो टू कॉलेज। यहां पर आप हमारा सब्जेक्ट है, कब हमारा WH फैमिली वर्ड है, और जाएंगे वर्ब है, और कॉलेज ऑब्जेक्ट है। तो ये टेंस हो गया आपका फ्यूचर इनडेफिनेट। और फ्यूचर इनडेफिनेट का इंटरोगेटिव रूल क्या होता है आपको पता होगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने ये सेंटेंस इसी रूल से बनाना है। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आ गया व्हेन, उसके बाद हमने देखा विल शैल में से आ गया विल, फिर हमारा सब्जेक्ट है आप यानी कि यू, व्हेन विल यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू कॉलेज, व्हेन विल यू गो टू कॉलेज, आप कॉलेज कब जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुमने उसे क्यों पीटा, पीटा आ की मात्रा आ गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसका इंटरोगेटिव रूल क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इससे पहले हमारा WH फैमिली वर्ड। तो हमने वाई को सबसे पहले रखा जो कि हमारा WH फैमिली वर्ड है, वाई डिड यू बीट हिम, तुमने हमारा सब्जेक्ट हो गया यू, और डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, वाई डिड यू बीट हिम, बीट मतलब पीटना, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है WH फैमिली, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ WH फैमिली की लिस्ट याद होनी चाहिए, उसको सबसे पहले रख दो, उसके बाद जो भी आप टेंस यूज कर रहे हो उसका इंटरोगेटिव रूल लगा दो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, 95% WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं इसी तरह से बनाए जाते हैं। हाँ, कुछ WH फैमिली थोड़े थोड़े डिफरेंट है, उसके लिए आप पार्ट टू हमारा जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।
तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।